हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नो गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैरी कंबोज। ये है मेरा चैनल। आप मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी प्लीज क्लिक करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करा है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका गूगल एडसेंस से उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग ये मैंने एग्जैक्टली वीडियो बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने ब्लॉग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेरे दोस्त ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास अपना लिखा हुआ कंटेंट है और वो गूगल एडसेंस से अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, उनकी अप्रूवल नहीं आ रही। उनको अभी भी शो कर रहा है कि योर ब्लॉग इज़ नॉट करंटली क्वालिफाइड फॉर एडसेंस। सो उसका सोल्यूशन मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन देखिए पूरी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेगी जो आपको आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट को, आपके यूट्यूब के अकाउंट को और आपके ब्लॉगर के अकाउंट को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है, जहां से आप अच्छी खासी रेवेन्यू भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी चलते हैं हमारे मैं अपने ब्लॉग के अकाउंट पर लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा ये है मेरा ब्लॉगर का अकाउंट। यहाँ पर मेरा टेक ट्यूटोरियल हब मतलब theindianow.in एक ब्लॉग चल रहा है जिसके अंदर एड्स अप्रूव हो चुकी हैं रिसेंटली, कुछ ही महीने पहले, कुछ महीना नहीं, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, लास्ट मंथ ही उसकी मेरी एड्स जो अप्रूव हुई है। मैं आपको लाइव इसके अंदर प्रूफ बताऊंगा कि मिनिमम मेरी कितनी पोस्ट है जिसके ऊपर मुझे गूगल एडसेंस ने अप्रूवल दे दिया एड शो करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस स्ट्रगल के साथ, वो काफ़ी बंदे मतलब नाराज़ हो जाते हैं जब बंदा मेहनत करता है कि उनको यार गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा, उनका खुद का लिखा हुआ कंटेंट है, उस पर अच्छी खासी ट्रैफिक भी आ रही है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को जब हम ब्लॉगर के अंदर लॉगिन करते हैं, जब यहाँ पर अर्निंग वाली टैब के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये लिखा होता है गूगल एडसेंस टर्न योर पैशन इंटू प्रॉफिट। यहाँ पर लिखा होता है गूगल एडसेंस इज फ्री सिंपल वे टू अर्न मनी बाय प्लेसिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट, लर्न नाउ हाउ टू बिकम एलिजिबल टू यूज इट। यहाँ पर लिखा होता है योर ब्लॉग डजंट करंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस। जब हर एक बंदा जिसने अपना ब्लॉग डेवलप करा होता है, अच्छी खासी पोस्ट भी लिखी होती है, उस पर ट्रैफिक भी आ रही होती है, खुद का लिखा हुआ कंटेंट होता है, किसी का कॉपी कंटेंट नहीं होता, वहां पर भी ऐसी लाइन लिखी है, तो वो बंदा काफी निराश हो जाता है, मतलब मेहनत पे पानी फिरने वाला हिसाब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा ये वाला ब्लॉग है, यहाँ पर ये वाला मैसेज आ रहा है, हालांकि ये ब्लॉग अप्रूव हो चुका है, यहाँ पर एड्स भी आ रही है, मैं आपको अभी लाइव इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट कितनी है मेरी। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यूनिक 26 जो है वो ब्लॉग पे पोस्ट है। जब मेरे पास ये अप्रूवल आ चुका था तब मेरे ब्लॉग पे 22 पोस्ट थी। कुल मिला के 4 पोस्ट मैंने ब्लॉग पे अप्रूवल आने के बाद लिखी हैं। कुल मिला के मेरे ब्लॉग पे 22 पोस्ट थी यूनिक, जो मैंने खुद अपने ही लैंग्वेज में अपने ही हैंड टाइपिंग के साथ लिखी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जो भी ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे इस चैनल पे मेरे इस ब्लॉग पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि करना क्या है ये एडसेंस पे अप्रूवल लेने के लिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल मेरे ब्लॉग पे 52 विजिट आए थे ओनली और 65 आ जाए हैं, मतलब जो मेरी ऑन एन एवरेज मेरे इस ब्लॉग पे जो ट्रैफिक रहती है वो रहती है 50, 60, 40, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग अभी, इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ, अभी इसकी थोड़ी सी मैं ट्रैफिक स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे ट्रैफिक जो मतलब अच्छे खासे सोर्स हैं जहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग को डाला है, वहाँ से मुझे ट्रैफिक आनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको मैं बताता हूँ कि देखिए मुझे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये मेरा पूरे मेरे ब्लॉग पे जो आज की ट्रैफिक है 65 टू 66 यहाँ पर ये शो कर रहा है। यहाँ पर एक एक पोस्ट पे कितने कितने मेरी जो व्यूज आए हैं वो दिख रहे हैं, यहाँ पर पेजेस पे कोई भी नहीं आया। और जब हम यहाँ पर जाएंगे मोर अबाउट दिस ब्लॉग, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से मेरे ट्रैफिक जो है वो आ रही है। देखिए, यूट्यूब से सिर्फ एक आया, अदर से 65 क्लिक हुए हैं, उसके बाद एंट्री यूआरएल जो है वो यूट्यूब दिखा रहा है, उसके बाद देखिए क्रोम फायरफॉक्स से इतने, विंडोज से इतने, एंड्रॉयड से इतने, मैकंतोश से इतने, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रीज। देखिए यहाँ पर कंट्री के अंदर रशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, उसके बाद देखिए यूएस से भी ट्रैफिक आ रही है।
जब हम यहाँ पर देखेंगे इंडिया से 31, पाकिस्तान से 18, यूएस से 7, हांगकांग से 7, तो मतलब हांगकांग से 6, मतलब ऐसे करके मेरे चैनल पे जो ट्रैफिक है वो आ रही है। जब हम चलते हैं, मैं जहाँ पर जाता हूँ लास्ट 3 मंथ्स करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने मेरे चैनल पे देखिए व्यू आ चुके हैं। ये देखिए, ये सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। यहाँ पर मैं कुछ भी 2 नंबर का काम नहीं कर रहा, कुछ टेलीग्राम से आ रही है, कुछ बिंग से, कुछ गूगल से, कुछ मेरे ही चैनल यूट्यूब चैनल से, कुछ मेरे ब्लॉग से डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कंट्रीज कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। देखिए यहाँ पर इंडिया से सबसे ज़्यादा है, फिर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर कुछ नॉन रीजन है जो लिस्टिंग नहीं है कंट्रीज, वहाँ से ट्रैफिक आ रही है। सो ऐसे करके यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ब्लॉग पे एड्स आ रही हैं या नहीं। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग यहाँ पर खुल रहा है। देखिए जब मैंने अपना ब्लॉग खोला, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक ऐड आ रही है, फिर नीचे एक यहाँ पर ऐड आ रही है। ये सारी की सारी मेरी जो एड्स हैं ये गूगल एडसेंस से ही आ रही हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐड है, फिर नीचे जाएंगे यहाँ पर एक ऐड और होगी, ये देखिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके ब्लॉगर में यहाँ पर अर्निंग टैब में ये वाला मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एडसेंस के ब्लॉग के सॉरी आपके ब्लॉग के ऊपर एड्स नहीं आ सकती। आपने क्या करना है, आपने गूगल एडसेंस पे जाना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए आपने जब गूगल एडसेंस पे जाएंगे, यहाँ पर साइट्स वाला टैब होगा 3rd नंबर पे, राइट साइड लेफ्ट साइड पे, होम एड्स और साइट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा लिखा रहा है दी इंडिया नाउ डॉट इन रेडी शो कर रहा है। जब आपका यहाँ पर कोई साइट नहीं होगी तो आपका यहाँ पर ब्लैंक शो करेगा, आप यहाँ पर ऐड साइट की ऑप्शन देगा आपको। आपने क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है www. जो भी आपका है technoguru.com, जो भी आपकी वेबसाइट है उसको कर देना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे वो आपसे आपके जो ब्लॉग है या आपकी साइट है उसकी अथॉरिटी वैलिडेट करने के लिए आपको बोलेगा, कुछ कोड देगा आपको, वो आपने अपने ब्लॉगर के हेड में लगाने हैं। जब आप यहाँ पर HTML में जाएंगे, थीम के अंदर जब HTML में जाएंगे तो हेड के अंदर आपको पता है ना वो कैसे डालते हैं। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने वो लगाना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ कोड देगा आपको, वो आपने हेड, ये देखिए ये वाला हेड लिखा होता है यहाँ पर, हेड के नीचे आपने वहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको वो अथॉरिटी चेक कर लेगा कि ये वाकई डोमेन या वेबसाइट जो है वो आपकी है। करने के बाद आपको एक ऐसा मेल आएगा, ये देखिए गूगल एडसेंस से मुझे जो मेल आया था वो 25th of January को आया था। यहाँ पर लिखिए गूगल एडसेंस से गुड न्यूज़, योर साइट दी इंडिया नाउ डॉट इन इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। ऐसे करके आपको एक मेल आएगा। जब भी आपको ये मेल आता है आपने कुछ नहीं करना, गूगल एडसेंस के अंदर जाके आपने गूगल की ऑटो एड्स होती है एक, उसके लिए मेरी एक डिफरेंट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि आप ऑटो एड्स को कैसे ऑन कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। जब आप ऑटो ऐड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर भी गूगल को लगेगा कि ये सही स्पेस है जहाँ सही जगह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़र आके आपकी वो ऐड को देखेंगे, वहाँ पर ऐड ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले करनी शुरू कर देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऐड शो करती हैं, यहाँ पर ऑटो एड्स कैसे इनेबल होती है। इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑटो ऐड दिखाता है, आपने इसको इनेबल कर देना है। यहाँ से इस ब्लू आइकन को जब आपका वाइट होगा आप क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली शो करना शुरू कर देगा कि आपकी एड्स कहाँ कहाँ शो करेगी। ये देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग गूगल एड्स, जब नीचे जाएंगे यहाँ पर एक और ऐड है, ये मोबाइल वाला वर्जन शो कर रहा है, मैं डेस्कटॉप वाला करता हूँ यहाँ पर अभी। ये देखिए यहाँ पर मेरी एक ऐड यहाँ पर शो कर रहा है, उसके बाद मेरी एक ऐड यहाँ पर शो कर रहा है और एक ऐड यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही जो मेरी ऐड शो कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए एक छोटी ऐड यहाँ पर आती है, उसके बाद एक लास्ट में ऐड आती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑटो ऐड जो है वो अपनी इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार उनकी ब्लॉगर अकाउंट के अंदर जब वो अर्निंग वाला यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर होता है, मेन्यू होती है, वहाँ पर अर्निंग लिखा होता है, वहाँ पर शो करता है योर ब्लॉग डजंट क्वालिफाई फॉर एडसेंस।
तो जैसे मैंने आपको अभी लाइव प्रूफ के साथ बताया कि मेरा भी यहाँ पर सेम ही मैसेज शो कर रहा है, लेकिन मेरी एड्स गूगल ने अप्रूव कर दिया है। मैंने आपको ईमेल भी दिखाई थी ये वाली कि देखिए सेम ईमेल पे मेरे को वो मेल आया है, मेरी सेम डोमेन के नेम के साथ मेरे को ईमेल आया है कि मेरे ब्लॉग पे उन्होंने एड्स अप्रूव कर दी हैं। तो आपको ये मैसेज देखते हुए नाराज होने की जरूरत नहीं, नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही अपनी डोमेन को वहां पर डालना है, वैलिडेट करना है। अगर आपको इन बिटवीन कुछ भी इशू आता है इसको, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मैंने एक अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैंने दिया है, आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर मेरा एक टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ से भी मुझे ज्वाइन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब वहाँ पर भी दे सकता हूँ, आपकी हेल्प प्रॉपरली भी कर सकता हूँ। मेरे पास टीम है पूरी की पूरी, अगर मैं चाहूँ तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन बंदों को बोल के आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर का रिमोट लेके, रिमोट सेशन लेके वो इशू को मैं फिक्स भी करवा सकता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। अगर आपके पास ब्लॉग है तो टाइम वेस्ट मत करिए, आप उसको जल्दी से जल्दी, आपकी अगर उसके अंदर यूनिक आपने राइटिंग करी है आर्टिकल, तो आपने जल्दी से जल्दी उसको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लीजिए और अपनी एड्स को शो करवाइए अपने ब्लॉग पे, और आपको वो अर्निंग देगा, अच्छी खासी अर्निंग देगा। नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊंगा कि ब्लॉग के अंदर से कितनी अर्निंग आती है स्टार्टिंग के बाद ही। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।